वेलकम बैक। अब ये तय हो चुका है कि निर्भया के कातिलों को 22 जनवरी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता, क्योंकि कानून की कमजोरियों का फायदा गुनहगारों को एक बार फिर से मिल रहा है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने चार में से एक दोषी मुकेश के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी उनकी मर्सी पिटीशन पेंडिंग है। कानून की एक खामियां है जिसको बुरी तरह से मिस इंटरप्रेट कर करके और उसको एक्सप्लॉइट किया जा। मैं विक्रम की माँ हूँ, 7 साल पहले हमारी बेटी गई है, हमें भी कोर्ट से इंसाफ। अथॉरिटी डिटेल रिपोर्ट देगी कि अभी तक जो इनके प्रोसेस है, लीगल रेमेडीज है, उस पर क्या हो रहा है, उसी आधार पर आगे डिसाइड किया जाए। तो अब ये तय है कि 22 जनवरी को निर्भया के गुनहगारों को फांसी नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने 22 जनवरी वाले डेथ वारंट पर रोक भले ही न लगाई हो, लेकिन अपने टिप्पणी में साफ कर दिया है कि 22 जनवरी को अब फांसी होना मुमकिन नहीं है। अगर ये मान भी लें कि कल परसों में ही राष्ट्रपति मुकेश की दया याचिका को खारिज भी कर देते हैं, तो भी हमको उसके बाद भी 14 दिन का वक्त जेल प्रिजन के नियम के हिसाबों से देना ही पड़ेगा। इसका मतलब तो यही है कि 22 जनवरी को कानूनन तौर पर फांसी हो ही नहीं सकती। हमारा यही है कि डेट वही रहेगी, पोस्टपोन नहीं होगी, क्योंकि इनको ऑलरेडी इन्होंने अपना टाइम निकाल दिया है। आगे जो कोर्ट की मर्जी है, मैं कोर्ट पे भरोसा करती हूँ, अपने न्याय व्यवस्था पे भरोसा करती हूँ कि हमारी बेटी की 7 साल पहले जान गई है, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। निर्भया के हत्यारे मुकेश की तरफ से दायर याचिका पर कल सुनवाई हुई और मुकेश के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि मुकेश की दया याचिका भी राष्ट्रपति के पास लंबित है और ऐसे में 22 जनवरी वाले डेथ वारंट पर रोक लगा देनी चाहिए। मुकेश के वकील ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि कानून कहता है कि अगर किसी भी दोषी की याचिका लंबित है तो उसको फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। आ गई है, क्या मर्सी पिटीशन पर हो रहा है, क्या प्रोसेस किया जा रहा है, किस तरह आगे किया जा रहा है, उस पर जेल अथॉरिटी कल कोर्ट को रिपोर्ट करेंगी, जिससे कि फांसी की सजा के बारे में आगे किया जा सके। क्योंकि मर्सी पिटीशन यदि डिसमिस भी होती है तो उसके बाद भी 14 दिन का नोटिस देने का कोर्ट जेल मैनुअल प्रावधान है, उस आधार पर आगे डिसाइड होगा। कोर्ट ने जेल अथॉरिटी से आज दोपहर 3 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है और उसके बाद ही होगा कि 22 जनवरी को होने वाली फांसी पर रोक लग जाएगी। मुकेश के वकील और दिल्ली सरकार के वकील दोनों ने कोर्ट में एक ही दलील दी है।